हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग का। प्रीवियस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया था। सबसे पहले हमने देखा था टाइप ऑफ सॉरी सबसे पहले हमने कवर किया था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एग, देन स्ट्रक्चर ऑफ हमने पढ़ा था स्पर्म, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हायर बेसिस पे देखा था जो कि बड़े एग्जाम्स में आते हो। ठीक है, आज हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एग को। तो टाइप्स ऑफ एग को जानने से पहले पहले हम बात करते हैं योग के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, योग के बारे में। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है भाई कि एग का जो योग है बेटा, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, जो हमारा एग का योग होता है वो कहां से सिंथेसाइज होता है। तो योग सिंथेसाइज, राइट, योग सिंथेसाइज्ड इन कहां होगा बेटा, गॉल्जी बॉडी में होगा। ठीक है ना, गॉल्जी बॉडी से योग का सिंथेसिस होता है, और योग के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं विटेलोजेनेसिस। ठीक है भाई, क्या बोलना, देखो तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, किसका, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, योग। ठीक है, इसको हम कहेंगे बेटा विटेलोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, विटेलोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है ना, विटेलोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें योग का प्रोडक्शन होता है बाय द गॉल्जी बॉडी। ठीक है, योग में रहता क्या है एक्चुअल में, तो योग के अंदर होते हैं बेटा लिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन में ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। तो याद रखना, कंसिस्ट ऑफ लिपिड, लिपिड में कौन होगा, तो याद रखना ग्लाइकोलिपिड, यहां पे होगा तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड होता है बेटा मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है ना, ग्लाइकोलिपिड क्या होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होगा। और एक होगा तुम्हारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, और प्रोटीन में कौन होगा, तो यहां पे होगा तुम्हारा ग्लाइको प्रोटीन। तो यहां पे इसका कंपोजिशन क्या हो गया, एक हो गया ग्लाइको प्रोटीन, एक हो गया तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारे योग के बारे में। मैं योग के बारे में क्यों बता रहा था, क्योंकि टाइप्स जब हम पढ़ेंगे बेटा तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स का, टाइप्स ऑफ एग का। और टाइप्स ऑफ एग की बात करेंगे तो किस बेस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योग के बेस पे हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के बेस पे हमने इसको बेटा मेनली तो तीन पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, और भी इसमें वैरायटी हो जाती है, बट अभी हम मान लेते हैं तीन टाइप्स। ठीक है, चलो पहला, एक मिनट, दो होंगे यार, चलिए पहला क्या है, तो पहला है बेटा जिसमें योग कम होता है। तो योग कम होगा तो उसको बोलेंगे हम क्या, माइक्रोलैसेथल। क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोलैसेथल। ठीक है, जिसके पास योग ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोलेसिथल, और जिसके पास मॉडरेट होगा वो कहलाएगा मीजो। तो सबसे पहले में आ जाएगा तुम्हारा माइक्रोलेसिथल। ठीक है, माइक्रो लेसिथल कहलाएगा। ठीक है, माइक्रोलेसिथल, माइक्रो के बाद आएगा बेटा मीजो। ठीक है, मीजोलेसिथल आएगा, मीजोलेसिथल के बाद में आता है बेटा तुम्हारा मैक्रो। कौन आएगा, मैक्रो लेसिथल आएगा। तीन तरह के हो गए एग। ठीक है, चलो माइक्रो लेसिथल एग क्या है बेटा, तो या एक लाइन में बताऊंगा मैं, जिसमें योग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम एस कंपेयर टू, देखो मोर बहुत अमाउंट में कौन, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा और योग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम, इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। मतलब कि जो योग कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, मगर अभी भी कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म का लेवल ज्यादा ही है, इक्वल है बट थोड़ा ज्यादा है। मैक्रोलेसिथल में उल्टा हो जाएगा, योग कंसंट्रेशन ज्यादा और साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लेस लेस क्या होगा, योग होगा, लेस योग कंसंट्रेशन।
यहां पे क्या होगा, मॉडरेट होगा, मॉडरेट योग का कंसंट्रेशन, और यहां पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ योग होगा। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। माइक्रोलैसेथल में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम आते हैं। ठीक है, माइक्रोलैसेथल में, एक मिनट क्यों लिख रहा हूं इसको, मैमल्स आता है। ठीक है, मैमल्स के साथ में सीआरचीन आता है, सीआरचीन आता है। सीआरचीन कौन है बता, इकाइनोडर्मेटा का है, और एक आएगा एम्पीऑक्सस, एम्पीऑक्सस आएगा। ठीक है, एक आएगा मैमल्स, मैमल्स के बाद आएगा सीआरचीन, सीआरचीन के बाद आएगा एम्पीऑक्सस आएगा। ठीक है, यहां पे बात करते हैं मॉडरेट वाले में, मॉडरेट में बीच वाला आता है। एग्जाम्पल के लिए बीच वाले को याद कर लो, एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया में ये नेचर आपको देखने को मिलेगा, और मैक्रो कंसंट्रेशन जो है वो रेप्टाइल में है, रेप्टाइल में है, बर्ड्स में है, और फिशेस में है। ये मेन है, और तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट एक्चुअल में तुमको इतने ही एग्जाम्पल याद करने, ठीक है ना, इतने एग्जाम्पल आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं एक छोटा सा, तो डायग्राम को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं अपन। मान लो चलो तीन हमारे पास क्या है, ये एग है, एक दो तीन, ठीक है ना, ये तीन हमारे पास क्या है बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये चलो, ये तीन हमारे पास क्या है, ये हमारा एग है। ठीक है, इस एग में क्या है, तो पहले सब में एक न्यूक्लियस बना देता हूं, सब में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के साथ साथ जो योग कंसंट्रेशन है बेटा, इसमें देखना, ये योग कंसंट्रेशन को कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, ये योग कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मॉडरेट है, और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा योग कंसंट्रेशन। ठीक है ना भाई, यहाँ पे योग क्या है, बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे योग जो है वो थोड़ा कम है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, और यहाँ का जो सिनेरियो है उसमें योग हाई कंसंट्रेशन है। यदि योग ज्यादा यहाँ पे कम है, मतलब कि साइटोप्लाज्म क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ज्यादा है, मॉडरेट लेवल बोल सकते हो, योग इज इक्वल लिख सकते हैं इसको, योग इज इक्वल साइटोप्लाज्म लिख दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए, योग ज्यादा हो गया, मतलब कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा क्या होगा, कम होगा बेटा। ठीक है, तो सबसे जो पहला एग है बेटा ये वाला, ये कौन है, तुम्हारा माइक्रोलैसिथल। ठीक है, माइक्रो लैसिथल, ये कैसा है, मीजोलैसिथल है। ठीक है, ये कैसा है, ये आपका मैक्रोलैसिथल। ठीक है ना, तो तीन तरह के एग है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योग। यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहां पे थोड़ा और पैरामीटर बढ़ जाएगा, याद रखना, सेकेंड बेसिस है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकेंड बेसिस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग की हम बात करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है आइसोलैसिथल, नंबर वन कौन है, आइसोलैसिथल हो सकता है, और नंबर टू में आता है बेटा टीलोलैसिथल आता है। ठीक है, टीलोलैसिथल आएगा, आइसोलैसिथल को डायग्राम से समझते हैं, और यहां टीलोलैसिथल को डायग्राम से समझते हैं, दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। देखो अब मान लो यार डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जितने तुम्हारे रेड कलर में दिख रहे हैं उसको मान लेते हैं, चलो ये बराबर सा, ये ऐसा बना देते हैं, ये हमारा कौन है, मान लो इसको, ये हमारा योक है, रेड कलर में जो दिख रहा है ना, ये योक है, और यहां देखो ब्लैक कलर में, ठीक है, बराबर देखो दोनों, कोई में कम ना कोई ज्यादा ना कोई कुछ, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो कौन है, साइटोप्लाज्म मान लेते हैं। तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख तो जाना क्या बोल रहा हूं, योक अभी भी स्टिल वेरी लेस होगा,
योक जो है वो कम है, इज वेरी लेस, बट कम है कोई बात नहीं, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, इक्वली क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड है यदि, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेसिटल बोलेंगे। अब मान लो कि इतने में यहां पे साइटोप्लाज्म है मान लो, और यहां पे पूरा क्या है, योक है, ये जो है योक है। अब ये क्या हो रहा है भाई, एक टर्मिनल में साइटोप्लाज्म ज्यादा है और दूसरे टर्मिनल में साइटोप्लाज्म है ही नहीं, राइट। दूसरे टर्मिनल में साइटोप्लाज्म है ही नहीं, एक में योक है एक में साइटोप्लाज्म है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कहलाता है बेटा तुम्हारा टीलोलेसिटल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे योक जो है बराबर और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये जाएगा तुम्हारे आइसोलेसिटल में। एग्जाम्पल कौन है, तो एग्जाम्पल में तुम्हारा माइक्रो और मीजोलेसिटल के एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो, ज्यादातर मीजोलेसिटल के एग्जाम्पल जो है वो टीलो में ही आते हैं, इसमें तुम्हारा एलेसिटल या माइक्रोलेसिटल आएगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया तुम्हारा मैमल्स, ठीक है, एक मैमल्स हो गया, एक तुम्हारा क्या है, सी आर चीन हो गया, और एक हो गया तुम्हारा एम्फीऑक्सिस, एम्फीऑक्सिस। ठीक है, ये तीनों में आइसोलेसिटल होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मगर जब हम बात करते हैं आइसो से बात किलो की बात करेंगे, तो यहां पे दो तरह के आएंगे, आएंगे मे बी मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। ठीक है, मीजो एंड मैक्रोलेसिथल जो एग है वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और यहां पे कौन आ रहा है, वेरी लेस आ रहा है, मगर ये क्या है, ये माइक्रोलेसिथल में आ जाएगा। माइक्रोलेसिथल में कौन कौन आता है बोलेंगे, तुम इनके नाम दे देना भाई, ये हो गया हमारा माइक्रोलेसिथल की बात। ठीक, समझ में आ रहा पॉइंट। अब यहां देखते हैं, जैसे मीजोलेसिथल या मैक्रोलेसिथल एग की बात करूंगा, तो यहां पे क्या होगा, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहां पे क्या है, कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म जो है बिल्कुल भी अलग रहेगा, साइटोप्लाज्म एंड योक ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, द पोल फ्रॉम वेयर पोलर बॉडी इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एनिमल पोल। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यदि यहां पे एक पोलर बॉडी है, ये क्या है, पोलर बॉडी है, और पोलर बॉडी को जैसे ही मैं रिमूव कर दूंगा, तो रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा ना वो कहलाएगा एनिमल पोल। तो ये ऊपर वाले को बोल देते हैं एनिमल पोल, नीचे वाला क्या है, वेजिटल पोल। ठीक है, दो पोल का डेवलपमेंट यहां पे हो जाता है। ओके, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस है। अब यहां पे एक बात और आती है कि याद रखना, ये वेजिटल पोल के, जैसे कि यहाँ पे दो पोल है, वेजिटल पोल है और क्या है, एक हमारा एनिमल पोल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपोजिट जो पोल में प्रेजेंट है वो वेजिटल पोल, नाम तो ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएगा, मीजो एंड माइक्रो आएगा, हाँ सॉरी मीजो एंड मैक्रो आएगा, मीजो में कौन था, एम्फीबियन, एम्फीबियस का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैक्रो में कौन कौन है, तीन लोग हैं, क्या क्या है बेटा, रेप्टाइल्स है, और कौन है, बर्ड्स है, ठीक है, और कौन है, फिश है। रेप्टाइल, बर्ड्स और फिश जो है वो किस में आ जाएगा, टीलोलेसिथल में आ जाएगा। मतलब ये याद करने का तरीका क्या है, ये मीजो एंड मैक्रो है, ये मीजो एंड मैक्रो है, और ये वाला कैसा है, माइक्रोलेसिथल है। ठीक है ना, मगर इन दोनों से हट करके एक और होता है बेटा, जिसको बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल है, सेंट्रोलेसिथल एग बोलेंगे। ये सेंट्रोलेसिथल एग में एक्चुअल में योक जो है वो सेंटर में होता है। ठीक है ना भाई, योक सेंट्रली लोकेटेड योक होगा, सेंट्रली लोकेटेड योक यहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म से सराउंडेड है, और ये तुमको एग्जाम्पल समझना, सेंट्रोलेसिटल एग सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा कहाँ पे, इंसेक्ट में। कहाँ मिलेगा? इंसेक्ट में। तो मुझे बताओ, यदि ये इंसेक्ट है और इंसेक्ट में ये एक न्यूक्लियस बना देते हैं, ऐसा सेंट्रोलेसिथल एग है, और सेंट्रोलेसिथल एग में जो अपना योक होगा वो कहां होगा? अंदर होगा। तो इतने जगह पे क्या प्रेजेंट हो रहा है? योक प्रेजेंट हो रहा है। बाकी जगह पे अलग आ जाएगा कौन? चलो मान लो इसको बना लेते हैं, तो दो तरह की लेयरिंग होगी ना भाई, ये दो तरह की लेयरिंग हो गई। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि ये रेगुलेट कर कौन रहे हैं? तो सेंट्रोलेसिथल एग में सेंटर में प्रेजेंट है तुम्हारा, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट कौन है? योक है, ये योक है। अब बाहर जो दिख रहा है बेटा वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इन दोनों को प्रॉपरली इंप्रूव करते हुए आगे चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने बता दिया तुमको, सेंट्रोलेसिथल टाइप ऑफ एग को मैंने यहां पे क्लियर करा दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ शेल, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ शेल के बेस पे हमने फिर से इसको क्या किया बेटा, दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है बेटा। ये तो हो गया हमारा सेंट्रोलेसिथल एग की बात, ठीक है। अब एक दूसरा बेसिस देखते हैं, मतलब ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, अब यहाँ पे तीसरा टाइप आएगा जो कि होगा आपके ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ शेल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ शेल की बात करेंगे। तो शेल जो बाहर में, जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, जो मुर्गी का जो अंडा होता है बाहर में एक कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, ठीक है ना। तो जिनमें शेल प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा क्लेडोइक, और जिनमें नहीं होगा वो कहलाएगा नॉन क्लेडोइक। तो दो तरह के एग होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ शेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया है, शेल है वो, एक मिनट उसको हटाने दो, ये है तुम्हारा शेल, ठीक है। तो शेल के बेसिस पे दो होंगे यार, एक होगा तुम्हारा क्लेडोइक, एक कहलाएगा तुम्हारा नॉन क्लेडोइक, एक, ठीक है, क्लेडोइक और नॉन क्लेडोइक कहलाएगा। तो क्लेडोइक में क्या हो रहा है बेटा? शेल इज प्रेजेंट, शेल इज प्रेजेंट, राइट, सेल इज प्रेजेंट सराउंडिंग दी, ये जो कि सराउंड करके रखेगा किसको? सराउंडिंग दी उलेमा, उलेमा को सराउंड करके रखेगा। दूसरी बात, नॉन क्लेडोइक की बात करेंगे तो शेल अब्सेंट होगा, यहाँ पे सीधा सेल एब्सेंट ही नोट कर देता हूं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देख लो यार, एग्जाम्पल में जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ज्यादातर, है ना भाई, लोअर इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो क्लेडोइक टाइप के होते हैं, साथ में एम्फीबिया, एम्फीबिया फिश, रेप्टाइल्स, ठीक है, और बर्ड्स, ये सब किस में आ जाएंगे? क्लेडोइक में आ जाएंगे, ठीक है। नॉन क्लेडोइक में आ जाएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो हायर मैमल्स, जितने भी हायर मैमल्स होते हैं वो नॉन क्लेडोइक होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के हो गए, मतलब ये कि ज्यादातर जो नॉन क्लेडोइक होता है ना बेटा, उसमें ना इंटरनल टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होगा? यहाँ इंटरनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इंटरनल डेवलपमेंट जो है वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इंटरनल डेवलपमेंट में क्या होगा? जो भी बेबी का डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है? इनसाइड दी बॉडी होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरनल डेवलपमेंट का नाम दे देंगे अपन, ठीक है। चले अब यहां पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिख देते हैं आप, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट आएगा। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको कहीं छोटे बुक्स में या फिर लोअर क्लासेस के लिए काम नहीं आएगा, ये जो है हायर क्लासेस में आता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखना, मान लो स्पर्म है, स्पर्म ने इंट्रैक्शन किया किसके साथ? एग के साथ,
और ये बन गया क्या, जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट में क्या हुआ, क्लीवेज। क्लीवेज होकर के एक सेल से क्या हो गया, ये दो सेल, दो से चार सेल बन गए, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये चले गया है टोटल 16 सेल स्टेज में, ये सेल जो है वो डिवाइड होकर के कहाँ चले गया है, 16 सेल स्टेज में चले गया है, ठीक है। मान लो 16 से 32 सेल स्टेज में जब ये आ जाएगा तब यहाँ की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी 16 से 32 सेल स्टेज के मैं इम्ब्रियो को लेके रखा हूं। मान लो ये इम्ब्रियो ए है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये यहां पे ले लेते हैं बी, सेम दोनों सेम, ठीक है, यहां पे बी। अब देखना मैं क्या करूं, दो यहां पे हमारे पास इम्ब्रियो है। पहले वाले इम्ब्रियो में हमने क्या किया, एक रीजन को मैंने रिमूव कर दिया है, सर्टन सेल आर रिमूव्ड, ठीक है ना। मैं कहां से रिमूव करूं, इतने पार्ट्स को रिमूव कर देता हूं, इतने पार्ट्स को मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। सर्टन सेल्स आर रिमूव्ड, ठीक है। सेल को रिमूव करने के बाद यदि मान लो 16 सेल है, 16 में से आपने दो को रिमूव कर दिए, तो जब इसका डेवलपमेंट होगा ना बेटा, तो जो डेवलपमेंट हुआ उसमें यंग वन जो है, मतलब जो बनेगा उसमें कोई ना कोई मिसिंग ऑर्गन मिलेंगे, ठीक है। तो द यंग वन क्या होगा, देयर इज अ मिसिंग ऑर्गन, वन इज मिसिंग, यहां पे सेल को हटाने से मिसिंग सर्टेन ऑर्गन, हम कुछ ऑर्गन यहां से मिस कर देंगे, कब, आफ्टर रिमूवल, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल फ्रॉम 16 सेल स्टेज, यहां से मिसिंग ऑर्गन मिल रही है। यदि किसी में रिमूव करने से मिसिंग ऑर्गन मिले, ठीक है, तो मिसिंग ऑर्गन वाले डेवलपमेंट को बोलते हैं बेटा मोजाइक, क्या बोलेंगे, मोजाइक टाइप ऑफ पैटर्न बोलेंगे। दो नाम है इसके, एक तो बोलेंगे मोजाइक, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना, डिटरमिनेटिव टाइप है ये, डिटरमिनेट टाइप है, मतलब इसे हमको पता चल जा रहा है कि जिस सेल को हमने हटाया ना उसी के मिसिंग ऑर्गन दिख रहे हैं यार, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा सेल क्या बना रहा है, तभी तो हम मिसिंग ऑर्गन नॉन मिसिंग ऑर्गन को बता पाएंगे। मगर सेकेंड कंडीशन में भी जैसे रिमूव किया मैंने, इतने एरिया को रिमूव किया, ठीक है, सर्टेन सेल्स आर, एरो कर दिया मैंने, कर दिया रिमूव्ड, ठीक है। रिमूव करने से यहां पे कोई भी मिसिंग ऑर्गन नहीं है, देयर इज नो मिसिंग ऑर्गन, ठीक है। यदि मिसिंग ऑर्गन नहीं मिल रहा है बेटा, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, एक तो मोजाइक टाइप का था ऊपर में, और इसको बोल रहे थे डिटरमिनेटिव, थे इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये स्पेसिफाइड नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं बेटा रेगुलेटेड टाइप, रेगुलेटेड टाइप बोलते हैं। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यदि हम बात करें, तो यहां पे दो हो गए, एक हो गया तुम्हारा मोजाइक टाइप और दूसरा हो गया तुम्हारा इनडिटरमिनेटिव टाइप या फिर रेगुलेटेड टाइप, ठीक है। अब ये डिटरमिनेटिव टाइप कहाँ होता है, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होंगे, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में एग्जाम्पल ले प्रोटोजोआ से मोलस्का तक, प्रोटोजोआ से लेकर के मोलस्का तक, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा हायर इकाइनोडर्मेटा से लेकर के हायर मैमल्स तक, इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कहां तक आ जाएगा, मैमल्स तक, ठीक है। यहां पे जो डेवलपमेंट होता है बेटा वो कैसा होता है, तो इनडिटर्मिनेटिव टाइप या फिर रेगुलेटेड टाइप होता है, ठीक है ना। तो यहां पे देख लो दो कैटेगरीज आपकी बन गई है, आई होप कि दोनों कैटेगरी आपको बहुत इजीली
समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपका एक तरह से बेसिक, बेसिकली हमने यहाँ पे डिटेलिंग कर दिया कि भाई टाइप्स ऑफ एग क्या है। इसमें चार बेसिस हमने देख लिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ शेल, क्लैडोइक एंड नॉन क्लैडोइक जो देखा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट भी हमने देखा दो दो। तो टोटल हमने यहाँ पे 9 वेराइटी ऑफ एग को हमने देख लिया बेटा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा टाइप ऑफ योग जो है, टाइप ऑफ एग जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमको जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेटा क्लीवेज। क्या नाम है इसका? क्लीवेज नाम है। तो यहाँ पे हमको क्लीवेजेस देखना है कि क्लीवेज कैसा है, क्या है, इसके पूरे सिनेरियो को देखना है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी कल मैं पूरी चीजों को आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए टेक केयर।